राजधानी रायपुर में एक युवक की नौकरी लगवाने के नाम पर 36 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां ठग ने खुद को अफसरों और मंत्रियों का करीबी बताकर प्रार्थी को पहले झांसे में लिया, फिर उससे धीरे धीरे करके पैसे ठग लिए। आरोपी ठग ने नौकरी लगवाने के नाम पर युवक के साथ नकली एग्रीमेंट कराया, फिर पैसे लेकर उड़ गया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी डोमेंद्र कुमार महिपाल पाटन का निवासी बताया जा रहा है। थाना राखी अंतर्गत बीनू कुमारी और चौबेन्द्र कुमार साहू के द्वारा लिखित में शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा डोमेन कुमार महिपाल और सनत कुमार नाम के जो आदमी हैं, जो उनके पूर्व परिचित के थे, और उनके द्वारा मंत्रालय में अलग अलग विभागों में लिख पिख के पद पर चार लोगों को नौकरी लगाने का झांसा देकर के पैसा मांगने पर लगभग 36 लाख रुपए दिया गया था, जिसका किसी का न तो नौकरी लगा है न ही पैसा वापस किया, और जिससे उन्होंने आवेदन दिए थे, जिसपे आरोपियों के विरुद्ध में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है।